उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट से सांसद जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का अगला एजेंडा पीओके को वापस लेना है और इसे भारतीय गणराज्य में शामिल करना है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना मोदी सरकार के पहले 100 दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल मेरी या मेरी पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं बल्कि 1994 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प है। ये वाकई नाउ द नेक्स्ट एजेंडा इज रिट्रीविंग पार्क ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा या मेरा संगठन नहीं कह रहा, ये राजनीतिक दल नहीं कह रहा, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ यूनैनिमसली पास रेजोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट इन 1994 बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। अभी और बात है कि कांग्रेस वाले खुद ही नरसिम्हा राव जी का नाम लेने में थोड़ा परहेज करते हैं, बट दिस इज एन एक्सेप्टेड पोजिशन। और जहां तक प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये मंजिले मखसूस तक पहुंची। जाहिर है जितेंद्र सिंह ने पीओके को लेकर बीजेपी का एजेंडा साफ कर दिया है, साथ ही कश्मीर का राग अलाप रहे पाकिस्तान को दो टूक जवाब भी दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।